ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक बार फिर भारत और चीन आमने सामने हैं। इसके पीछे की वजह है ताइवान। दरअसल ताइवान ने भारत में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया। अब इसे लेकर चीन भड़क गया है। चीन भारत से कह रहा है कि वो ताइवानी मुद्दे को हवा ना दे और भारत को चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि चीन किसी भी ऐसे देश के ताइवान के साथ आधिकारिक संबंध स्थापित करने के कदम का विरोध करता है जिसके साथ उसके संबंध है। माओ ने कहा कि चीन ने भारत के सामने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय पक्ष ने वन चाइना सिद्धांत के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई है। ये चीन भारत संबंधों की राजनीतिक नींव है। उनका कहना है कि चीन भारत से आग्रह करता है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं का सख्ती से पालन करे, ताइवान के मुद्दों पर विवेकपूर्ण और उचित तरीके से निपटाने की कोशिश की जाए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ताइवान के साथ किसी भी प्रकार आधिकारिक आदान प्रदान करने से पूरी तरह से परहेज करे। दरअसल ताइवान की सरकारी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी कि ताइवान सरकार ने भारत में अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। नए ऑफिस खोले जाने को लेकर ताइवान के विदेश मंत्री चियालुंग लिन ने कहा कि ये कदम द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के वादे के प्रतिनिधित्व के तौर पर है। नई दिल्ली और चेन्नई में पहले ही ताइवान का ऑफिस मौजूद है। मुंबई में ताइवानी ऑफिस के खोलने की खबर ऐसे वक्त में आई जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार जारी है। इस विवाद के कारण दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव है। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। हाल ही में चीन ने ताइवान को घेरते हुए एक बहुत बड़े स्तर का युद्धाभ्यास भी किया था जिसमें उसने ताइवान को ये चेतावनी दी कि वो कभी भी चुटकियों में उसका खेल खत्म कर सकता है। वहीं इसके जवाब में ताइवान भी अपने लड़ाकू विमान लेकर सामने आ गया था जिससे तनातनी बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर ताइवान ने चीन को मिर्ची लगाने का काम किया है और उसने मुंबई में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया। इसके बाद से चीन भारत पर अब सख्ती बरतने की बातें कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।